हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो अभी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्निस और टाटा पंच के बारे में। फ्रेंड्स, अभी इग्निस को एक तगड़ा कॉम्पिटिटर मिलने जा रहा है जिसका नाम है टाटा पंच। इससे पहले हम इग्निस को कंपेयर करते थे नियोस से और आपका टियागो से, तो बहुत लोगों का यही कन्फ्यूजन रहता था कि नियोस लिया जाए या इग्निस लिया जाए। लेकिन अभी जो है मार्केट में कल से यानी 4th of October से टाटा पंच लॉन्च होने जा रही है, तो इग्निस को एक तगड़ा कॉम्पिटिटर अभी मिलने जा रहा है। अभी लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई मैं इग्निस लूँ या टाटा पंच लूँ, तो अभी उन लोगों के लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि फ्रेंड्स, आप अगर मैनुअल गाड़ी लेते हैं तो मैनुअल गाड़ी का आपको इग्निस का और टाटा पंच का दोनों का आपको जो टेस्ट ड्राइव है वो आराम से मिल जाएगा। लेकिन जब बात आती है आपका ऑटोमेटिक वेरिएंट लेने की, तो जो डीलर होते हैं उनके पास ऑटोमेटिक वेरिएंट अवेलेबल नहीं होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आपके डीलर को बोलिए कि आपको AMT का एक टेस्ट ड्राइव अवेलेबल करा के दे। जब टेस्ट ड्राइव आप लेंगे गाड़ी का, तभी आपको समझ में आएगा कि दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंस है, दोनों गाड़ियाँ चलने में कैसे है, कौन सा गाड़ी में कितना जर्क है, फिट एंड फिनिश कैसे है। ये सभी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ये आपको जब आप टेस्ट ड्राइव लेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और टेस्ट ड्राइव भी आप ऐसा 2-3 किलोमीटर का टेस्ट ड्राइव मत लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम 5 से 10 किलोमीटर का आप इसमें टेस्ट ड्राइव लीजिए, तभी आपको गाड़ी का परफॉर्मेंस भी समझ में आएगा। उसमें पूरा आपका 5 गियर लगना चाहिए। और जब भी टेस्ट ड्राइव लेते हैं AMT गाड़ी का, तो उसमें हमेशा आप ट्राई करके देखिए कि जो सामने वाली गाड़ी है उसको ओवरटेक करने का, क्योंकि AMT गाड़ी में थोड़ा दिक्कत आता है आपका ओवरटेक करने में। तो अगर आपका जो गाड़ी है वो इजीली ओवरटेक अगर नहीं कर पा रहा है तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। इग्निस के बारे में ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो जस्ट आपको इसमें एक्सीलेटर को थोड़ा हार्ड प्रेस करना होता है, गाड़ी एक गियर अपशिफ्ट करती है और आपका आसानी से गाड़ी ओवरटेक कर लेता है। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, आपको जो कैबिन नॉइस है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका टाटा पंच में कैबिन नॉइस कितना आ रहा है, जैसे कि टायर नॉइस हो गया, इंजन का नॉइस हो गया है। मैंने इग्निस लेने के पहले फ्रेंड्स आपका क्विड का भी टेस्ट ड्राइव लिया था, लेकिन वो क्विड में इतना आवाज़ आता है, बाप रे आप, मैं आपको बता नहीं सकता, जैसे लगता है कि ये डीजल गाड़ी है। इंजन का भी आवाज़ आता है और रोड का जो टायर का नॉइज़ है उसका भी आवाज़ आता है। तो चलो अपन वो टाटा पंच को क्विड से या फिर इससे नहीं कंपेयर कर सकते, वो एक ऊपर का गाड़ी अभी लॉन्च होने जा रहा है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप AMT वेरिएंट खरीदेंगे और इग्निस और टाटा पंच में आप कन्फ्यूजन करेंगे, तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि आप दोनों भी AMT कार का आप टेस्ट ड्राइव लीजिए। और जैसे ही आप टेस्ट ड्राइव लेंगे आपको इमीडिएट समझ में आ जाएगा कि कौन सा गाड़ी आपके लिए सूटेबल रहेगा। बाकी जो चीज़ें हैं, लेंथ है, हाइट है, डायमेंशन है, वो भी मैटर करती है, क्योंकि टाटा पंच थोड़ा सा बड़ा दिखेगा इग्निस के सामने, इग्निस थोड़ा सा छोटा दिखेगा। लेकिन जो कैबिन स्पेस है अंदर में, कैबिन स्पेस वो मैटर करती है। गाड़ी अगर बाहर से बल्कि दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर से भी उतना स्पेशियस रहेगी। जैसे कि अपना इग्निस जो है वो बाहर से बड़ा छोटा सा गाड़ी दिखता है, लेकिन इसके अंदर आपको जो स्पेस है उसकी कमी महसूस नहीं होती है। ये तो मेरा पर्सनल व्यू है। अभी हम लोग, हमारे फैमिली में 3 ही लोग हैं, तो 3 लोग बड़े आराम से सो के वगैरह भी इसमें हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। तो लेकिन जो पीछे वाली सीट है इग्निस की और टाटा पंच की, वो भी आप देखना कि कौन सा में आपको अच्छा कंफर्ट मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जब आप टेस्ट ड्राइव लेंगे गाड़ी की, दोनों गाड़ी की, तभी आपको ये समझ में आएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो उतनी मैटर नहीं करती है। आपका गाड़ी जब चलाते हैं उसका जो एक्सपीरियंस है, आपको गाड़ी चलाने में जो फील आता है, गाड़ी देखते ही आपके चेहरे पर अगर स्माइल आती है तो बेझिझक वो आप गाड़ी ले सकते हैं। जैसे ये इग्निस बहुत लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को पसंद भी है, तो मैं उनमें से हूँ जिनको ये गाड़ी पसंद है। जैसे ही मैं गाड़ी अपना पार्किंग में देखता हूँ, मुझे एक अंदर से फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है कि ये इग्निस है गाड़ी, मेरा अच्छा है।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, जो बताना था आपको बता दिया। अभी सीट बेल्ट पहनी है आप, वैक्सीनेशन नहीं किया होगा तो वैक्सीनेशन कर लीजिए, वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।